सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है। कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। नौकरी मिलने वाली है। अरे नौकरी कहाँ? बाढ़ की वजह से सब लोग गांव छोड़ के भाग गए। हमने सोचा कि आपके पास आकर ही कोई हल निकालेंगे। जब खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या लिखवाएंगे? लड़का है आवारा घूमता रहेगा, हजार मुसीबतें हैं हमारे सर पे। तुम अपने लड़के लड़की को स्कूल को नहीं भेजते? आपकी मदद की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि अपना एक चिट्ठी लिखवा लो, अपनी जिंदगी का लेखा जोखा। अच्छा, तो वो आप लिख देंगे ना? मैं लिख दूंगी, मेरी लिखाई बहुत अच्छी है, मास्टर ने भी यही कहती है। हाँ बेटा। क्या बहुत पढ़े लिखे हैं? सबसे झूठ बोले हैं आप। अरे नहीं भाग्यवान, देखो शहर में ऐसा ही चलता है। नहीं 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 नहीं, ये शहर है, तुम आप स्कूल में नहीं जा सकती हो। नहीं, उनका बस चलता तो सिर्फ वो राजेश को ही स्कूल जाने देते, मुझे तो पैदा होते के साथ ही भिजा देते। यहाँ सब चलता है। ए पिक्चर देखे? कौन सी? सुनी छुट्टी वाली? मारने से नहीं सुधरेंगे चतुला, कोई बड़ा चाहिए जो इन्हें स्कूल भी ला सके और घर पर भी इनका ध्यान रख सके। जब तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिल जाता तुम स्कूल जाओ। क्या चाचा, आप तो ऐसे मुंह लटका बैठे जैसे आपकी नानी बीमार हो। और नहीं तो क्या? अरे नौकरी ही तो नहीं मिली ना, तुम्हारी बीवी तो नहीं भाग गई? अब ऊपर देखो, 32 ही दिखा जरा आपने। अरे भाई वो कहावत नहीं सुनी? कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। और क्या, यही होता है ना बस। हद से ज्यादा आम मिलेगा अकेला? हाँ। तो मिलेगा मिलेगा, नहीं तो मिलेगा चरसिया बाबू का पान। ये काम कर, एक और पान खा और काम पे निकल जा। अरे नहीं जाना हमें किसी काम वाम पे, अब हम यहीं टॉर्च दिखाकर लोगों को सीट पर बिठाएंगे, बस इतना बेइज्जती हमारा कभी नहीं हुआ। अरे कैसे टॉर्च दिखा दिखा के बिठाइएगा, हम है ना। अरे देखो चतुर भैया, रविवार के अखबार में कोनो इश्तेहार निकलते हैं नौकरी के, हम देखे हैं बाबू लोगन को, वो इसमें से पढ़ पढ़ के जो है नौकरी ढूंढते हैं ढूंढते हैं। अब ये कम बाबू है क्या? क्या जरा इसको पढ़ के बता। कौन? हम? हाँ हाँ पढ़ के बता जरा। हम क्या? देखो तो। नहीं वो क्या है कि हमें जरा देर हो रही है, हमें जाना है। अच्छा अब तुमको देर हो रही है? अभी तक बैठे बैठे ससुरी के नाती 3-5 चबा गए, तब देर नहीं हो रही थी तुमको? वो क्या है कि अब वो चाचा देखो, अब हमको गर्मी आ रही है। वो क्या? वो चाचा क्या है ना, आज इतवार है और इतवार के दिन चाचा अखबार को हाथ भी नहीं लगाते, और ये उनका उसूल है। अरे ये कैसा उसूल है भाई? और जब भी हमें जरूरत होती है तब तुम्हारे उसूल बन जाते हैं, अब तुमसे नहीं पढ़वाएंगे तो और किससे पढ़वाएंगे अखबार? मैं हूँ ना। ए डेढ़ फुटिया, तू अब अखबार पढ़ेगा? आपसे तो अच्छा ही पढ़ लेता हूँ। ये बात तो है, पढ़ने दीजिए पढ़ने दीजिए। हाँ पढ़ बेटा। हाँ ये वाला दुबई जाना होगा, यहाँ पर आपके लिए एक ही काम है, बावर्ची और मददगार की जरूरत, जिन्हें भी ये काम आता है वो हमें इस पते पर संपर्क करें। हाँ ये हुआ ना हमारे रमेश बाबू लायक का। पर बावर्ची क्या बनेंगे, हम दाल चावल तो ठीक से बना नहीं सकते। ओफो नहीं आता तो सीख लेना वहाँ जाकर। अरे हमने तो सुना है दुबई वाले लोग तो मांस मच्छी खाते हैं। हाँ। अब उसका पकाना क्या ना पकाना क्या बात करते हैं। ए प्रकाश तुम कहाँ चल दिया? ये जा रहा हूँ, चलना है क्या? Ha 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 ha!
ये कहां से लाकर तुमने हमारे सर पे बैठा दिया यार? काम का ना काज का दुश्मन ना नाज का। जाने दीजिए, बच्चा ही तो है। तो फिर आप तो चले दुबई हैं? अरे मजाक मत करो, हमें नहीं मिलेगी नौकरी वो। अरे कोशिश तो करो यार, बिना कोशिश किए कैसे कह सकते हो? जाओ तो सही, देखो तो शायद तुम्हारी वही किस्मत चमक जाए। और क्या। अच्छा ये तो देखना है जरा अखबार। अरे देखना इसमें चतुर भैया अखबार में जाना कहाँ है, इश्तिहार में क्या लिखा था जरा देखिए। अब पढ़ो मत भैया, रविवार है पढ़ो मत, लेकिन उंगली रख कर ये तो बता दो कि जाना कहाँ है। यही था, यही था ना इश्तिहार। हाँ, सी 225 मयूर विहार, सी 225 मयूर विहार, भाई पता वही है। अब तो बिटिया भी बड़ी हो गई, आपको तो फिक्र होगी ही, ज्यादा नहीं। हाँ पर ये बहुत चाहते हैं कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर इसका लगन यही कर दे। सो तो ठीक है, कोई है नजर में क्या? यूं तो नहीं पर देख रहे हैं। क्यूरी तूने तो नहीं देख लिया कोई? मुझे भी शादी नहीं करनी। सो क्यों, पहले पढ़ लो फिर देखेंगे। अब और कितना पढ़ना है, अफसर बनेगी क्या? शायद। वाह, नौकरी तक की सोच रखी है। चतुर भैया ना रहने दे तुझे कुंवारी, अब जो करना है अपने घर जाकर ही करियो। माँ जब बापू मान गए हैं तो तुम क्यों बीच में टांग अड़ा रही हो? अरे हम कहाँ को चढ़ा रहे हैं। देख इतने बड़े सपने मत देख कि जब टूटे तो सपना दिखना ही बंद कर दे। थोड़ा सही इधर हो जाइए हाँ चौरसिया भाई, ऐसा दुनिया। अरे तो क्या है, तैयार होके जाएंगे ना तभी तो अच्छा काम मिलेगा, इसके बिना तो। हम चतुर टैक्सी स्टैंड को ढूंढ रहे हैं। तुम भी यही आया, शायद घाव नहीं आया तुम्हें। बहुत जगह है हमारे पास, तुम आओ फैमिली लेके आओ, सारा गांव ले आओ। ससुर देश ही ना ले यहाँ पे। पागल है क्या? थोड़ा सा इलाज नहीं हुआ? हमारे गांव के पास एक डबरू बाबा है, इसका इलाज बहुत अच्छा करते हैं, भेज दे। आइडिया तो अच्छा है। क्या कुछ नहीं बाबा। हाँ क्या चतुरलाल को ढूंढे हो? तो बैठ जाओ यही मिलेगा, बैठो अभी चल गया है। क्या मुसीबत है, क्या हमें ये कखा कक्को समझ में नहीं आती? रखो हम समझ जो मेहनत करते हैं, आपो की क्या प्रॉब्लम है? कखा गा से घबरा गए हो? हाँ। आगे बढ़ के क्या करोगे? आगे और नहीं तो क्या, आप मेहनत करो, फल की चिंता हम करेंगे। कोई जरूरत नहीं है, हमने कह दिया नहीं तो नहीं। बापू नहीं नहीं हाँ। ए चुप कर, क्यों आप पढ़ाई करो वरना हम सब। वरना तुम सब क्या है, क्या तुम सब? अरे नहीं। यस जी, रमेश कुमार। ये क्या है? कम क्या चाचा, चार बार बता चुके हैं, आप होगी समझते ही नहीं। काम का पे आग डंडा काम, इतना क्या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, हमें याद नहीं होता है। फिर से याद करो। ये क्या है, हमें भी मार पड़ती है जब हम स्कूल में काम नहीं करके जाते। अरे देखो ऐश्वर्य राय। चाचा भाग भाग, हमसे होशियारी, हमारे हाथ बहुत लंबे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ाई करें, अभी कोई खेल खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं। हाँ। हाँ। जो तुम लोग भी भागो। हमें क्या बेवकूफ समझे? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम छुपते हैं आप हमें ढूंढिए, ताकि हम आपको ढूंढ नहीं पाए। हाँ हम छुपेंगे आप हमको ढूंढेंगे, आंखें बंद करो गिनती गिनो। अच्छा एक दो तीन। अरे हमारा नाम चतुरलाल ऐसे ही नहीं है। हाँ तो जनाब आप बताएंगे कि आप करते क्या हैं? जी वो सिनेमा में मैनेजर हैं, 6,000 रुपए तक कमा लेते हैं। आप कितना देंगे? जितना आप कहेंगे, वैसे हम लोग 40,000 रुपए दे रहे हैं प्लस खर्चा अलग से। और रहना
खाना? वो तुम्हारी जिम्मेदारी, उसमें हमारा कुछ भी नहीं। ठीक है, वैसे हम खाना बहुत अच्छा बना लेते हैं। नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने सब सिखा रखा है। ठीक है, तो फिर कब का रखे? अभी नहीं, एक बार हाँ हो जाए उसके बाद। आप देख ले, हम कल वापस आ जाएंगे। अरे जा कहाँ रहे हैं, देखेंगे नहीं? तो देखना क्या है? तुम्हें नहीं, उन्हें देखना तुमको। ये सुपर्णा, रमेश जी हैं, मैनेजर हैं सिनेमा हॉल में। जी, करना क्या है? क्या कर सकते हैं आप, खाना बनाएंगे? हाँ बनाएंगे ना। लो भाई, तुम्हारे पति देव तो बावर्ची हैं, हैं? पति? इनका पति? क्यों? इनका पति? तुम्हें कोई ऐतराज है इनसे शादी करने में? नहीं, ऐतराज तो कोई नहीं है। तो फिर नौकरी के लिए शादी करनी पड़ेगी। नौकरी? कौन सी नौकरी? वही जिसका अखबार में इश्तेहार है। जी, जी। तुम्हारा दिमाग खराब है? साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें अपनी बहन के लिए लड़का देखना है। नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है, वो चतुरलाल जी ने बताया था कि इसमें नौकरी। तुम्हें पढ़ना आता है? जी वो तुम मैनेजर हो क्या? नहीं, टिकट बेचते हैं। पुलिस को फोन लगाओ। नहीं, देखिए गलती हो गई, वो हमने झूठ इसलिए बोला कि आप तनख्वाह थोड़ी सी दे देंगे। माफ कर दीजिए, पहली बार है। धोखा, इसका बदला लेना पड़ेगा। और पढ़ाओ, खुद से तो होता नहीं, हमको बोलता आओ पढ़ो। बाबू, अरे प्रकाश, कैसा है बेटा? ठीक हूँ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे काम ढूंढने आए हैं। हमने सोचा कि चतुर जब तुम्हारी नौकरी लगवा सकता है तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करेगा, और उसके लिए कुछ है भी हमारे पास। क्या? नाना उसी को बताएंगे। अरे हाँ, देख तेरी माँ ने भेजा है। माँ कैसी है? माँ अच्छी है, मगर तुझे बहुत याद करती है। अरे राम, तुम यहाँ? राम राम भैया, क्या हालचाल है? ठीक है, तुम यहाँ कैसे? बस, अरे सुनो, ये तुमने टैक्सी स्टैंड का क्या चक्कर चला रखा है? यहाँ तो सारे कहते हैं कि तुम स्कूटर चलाते हो। हाँ वो वैसे ही बापू वो। खैर छोड़ो, हमें क्या, मगर तुम हो कैसे इससे हमको मतलब है। बस ठीक ही है। अब इसमें इतना रोने की क्या बात है, हमारा बच्चा थोड़े है वो। तुम्हारा नहीं होगा, हमने तो उसे अपने बच्चे की तरह रखा है, और अब वो चला जाएगा। बात का तो कुछ पता नहीं है, गाड़ी तुम इतनी आगे बढ़ा जा रही हो। हमें कुछ नहीं पता, आप उसके बाप से बात करिए और कहिए कि वो यही रहेगा। ये कैसे हो सकता है, वो यहाँ कैसे रह सकता है? जब उसका बाप उसको लेने आ ही गया है तो हम कैसे रोक सकते हैं भाई को? क्यों नहीं, गांव से तो अच्छी जिंदगी है यहाँ, खाना कपड़ा सब कुछ तो है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम नहीं जाने देंगे। लक्ष्मी, माँ नहीं हो तुम उसकी, चाची बुलाता तुमको, चाची। माँ बनने की कोशिश मत करो, अब वो यहाँ नहीं रहना चाहता तो हम जबरदस्ती रोक थोड़ी सकते हैं। अब तुम शांत हो जाओ, ये बच्चों की तरह रोना बंद कर दो बस। आप नहीं समझेंगे, आप अपनी पान की दुकान में मस्त रहिए। अरे कैसे मस्त रहे, सब तुम्हारे लिए तो है वो सब कुछ, और कौन है हमारा? और तुम ही ऐसे बस ना खुश रहोगे तो फिर हम कैसे खुश रह सकते हैं? आपका पानी ही पीते रहेंगे, खाना भी तो खाइए। हम कहते हैं कि जब हमारे बबुआ को काम मिल सकता है तो हम कोई कम है, हमको भी काम मिलेगा, क्यों भाभी? ठीक है भैया। अरे लो कर लो बात। अरे प्रकाश की उम्र अभी कम है, इसे नौकरी मिल सकती है, अब तुम्हें इस उम्र में कौन नौकरी देगा? हमें कुछ नहीं पता, हमें काम चाहिए बस। और अगर कल आप, हाँ रमेश बैठो खाना खाओ। जरा इसमें पढ़कर बताइएगा फिर से क्या लिखा है। कौन बताएगा? बताइए। कुछ खाइएगा भैया? अरे भाभी जी रहने दीजिए, खाना बाद में खा लेंगे, आज पेट वैसे ही बहुत भरा हुआ है। इसमें क्या देख रहे हो? तस्वीरें। क्यों पढ़ेंगे? इन्होंने ही तो पढ़कर बताया था कि बावर्ची की नौकरी के लिए कहाँ जाना है। इन्होंने? चाचा कुछ गड़बड़ है चतुर भैया, हमें शक हो रहा है, नौकरी की जगह शादी का इश्तेहार। जिंदगी में इतना बेइज्जती हमारा बहुत देर बाद हुआ है। पर ऐसे गड़बड़ कैसे हो सकता है? इश्तेहार तो प्रकाश पढ़ा था। क्या पढ़ा था तू? पढ़ा प्रकाश ने था, पर जगह किसने बताई थी? तुमने। नौकरी की जगह शादी में है, बहुत गड़बड़ है। हमें कुछ समझ नहीं आई। आपको क्यों समझ आएगी, बेइज्जती तो हमारा हुआ है, घर से धक्के देकर निकलवा दिया, पुलिस को बुलवा लिया, कुछ गड़बड़ है, हम कह देते हैं। रमेश,
कुछ गड़बड़ तो है। चतुर तुम तो अनपढ़ थे, मगर ये नई तब्दीली तुम्हें कहां से आई? मैडम कल वो दोनों बता रहे थे कि बाबू बहुत मुश्किल कर रहे हैं, वो कुछ सीखने को तैयार ही नहीं। तैयारी की बात नहीं है रेखा, बड़े लोगों को पढ़ाने का तरीका अलग है। मैडम इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, मैंने कहा आप मेरी मदद कर सकती हैं। देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये वो किताब है जिससे हम बड़े लोगों को पढ़ाते हैं। बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, पहले उन्हें हम अक्षर ज्ञान कराते हैं, जैसे क ख ग, बाद में उन अक्षरों को जोड़कर उन्हें शब्द बनाना सिखाते हैं। मैडम हम भी तो यही सिखा रहे थे। यही तो गलती है। देखो हाँ भाई हाँ, तुझे किस किस्म की नौकरी दिलावे? अरे हम तो कुछ भी कर लेंगे, तुम्हें पता तो है। हाँ पर शहर है, यहाँ कुछ भी करने को भी बहुत जतन करने पड़ते हैं। अब हमें नहीं मालूम जतन वतन, हमें काम चाहिए बस। वैसे तुम्हारा काम आसान करने का एक तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है? हमारे प्रकाश की माँ के मायके की तरफ एक लड़का है। अच्छा। पढ़ा लिखा होशियार, तो हम सोच रहे थे अगर रेखा से उसकी शादी की बात चलाएं तो लखनऊ में सरकारी दफ्तर में क्लर्क है। क्लर्क है भाई, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तुम बात चलाओ जी। बात क्या चलानी, बस हमारे कहने की देर है समझो। हाँ हो गई। मगर मगर हमारी नौकरी लगवा दो। वैसे रेखा तो हमारी बच्ची है। हाँ हाँ। ये तो तुम्हारा काम आसान करता है। हाँ हाँ, समझते हैं। हाँ बोलो। अगर हाँ करने से पहले एक बार रेखा से पूछ लेते तो। बड़े लोगों को पहले हम शब्द सिखाते हैं, ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। पहले शब्द, बिना अक्षर जाने शब्द कैसे जान सकते हैं? रेखा शब्द तो वो लोग पहले से ही जानते हैं ना, उसका मतलब भी जानते हैं, उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं। हम इन शब्दों के द्वारा उन्हें अक्षरों की पहचान कराते हैं। देखो जैसे कि एक शब्द है मकान। हाँ अब मकान का मतलब वो लोग जानते हैं ना, अब इसमें अक्षर कौन कौन से हैं? म का और न। ओ समझी, पहले रास्ता पकड़कर मंजिल को ढूंढना था, पर यहाँ तो मंजिल से ही देखना है कि कौन सा रास्ता चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा ऐसा करो तुम ये किताबें ले जाओ और अपने बापू को पढ़ाना शुरू करो। अरे पागल हो गई है क्या, वो तो भी नादान है, उसे क्या पूछना। राम कुमार को कोई नौकरी दिला देंगे, लड़का पढ़ा लिखा है, हमारी बेटी खुश रहेगी क्यों? ठीक है भैया, तुम्हारी नौकरी पक्की समझो, पर अपने वायदे से ना मुकरना। राम 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 राम, कैसी बात करते हो। हाँ। रेखा तो अपनी बिटिया समान है, उसका भला मेरा भला। पढ़ा पाओगी? मैडम मैं चाहती हूँ कि बापू झूठ बोलना बंद कर दे, वो असल में पढ़ना सीख जाए, बस इतना कर पाऊंगी। रेखा तुम अपने बापू को पढ़ा लिखा देखना चाहती हो, लेकिन ये आसान नहीं है। तो क्या है, अगर हम मुश्किल कामों से डरने लग गए तो काम ही नहीं हो। तो इस मुश्किल काम में अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तो बता देना। मैडम आप? हाँ मैं कभी कभी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़ाती हूँ। अच्छा हाँ, अगर तुम्हारे बापू और दो चार लोग मिलकर एक गुट बना लेना तो हफ्ते में 3-4 दिन तक मैं और तुम उन्हें मिलकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, है ना? अच्छा नमस्ते। चलो इसी बात पे बीड़ी पिलाओ। बीड़ी नहीं पीते? कमाल है, बीड़ी नहीं पीते हो। बापू देखो मैं तुम्हारे लिए किताबें लाई हूँ, तुम्हारी जिंदगी आसान बनाने के लिए, मुझे मैडम ने दी, अब मैं और आप दोनों पढ़ सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है बेटा, लेकिन क्या है कि ये राम चाचा है तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आए हैं। पर आपने तो कहा था मैं भी और पढ़ सकती हूँ। हाँ हाँ वो कहा तो था, लेकिन अब वो लड़का मिल गया है ना, तो बस अब। पर मैं तो बस कोई मैं वह नहीं, हमने जो कह दिया तो कह दिया, अब आगे पढ़ना है तो लड़के से पूछना। बापू को समझाओ ना, हमने कहा था ना इतने बड़े सपने मत देख। क्यों इतना नाराज होते हो भाई, गलती हो गई होगी। गलती? मैं तो कहता हूँ कुछ गड़बड़ है, वो प्रकाश का बापू भी कुछ कहना चाहता था, अखबार पर पानी गिर गया, हम कह देते हैं कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे तुम तो बहुत बिगड़ रहे हो, चतुर लाल हमसे झूठ ना थोड़ी कहेगा। अब क्या मालूम झूठ कहे या सच कहे, हमारा तो इतना बेइज्जती कभी नहीं हुआ ना, हम तो मामले की तह तक जरूर पहुंचेंगे कह देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मामले की तह तक जरूर पहुंचना, लो पहले पान खाओ, ठीक हो जाओ बस। अब बेटा हमारे लिए चिट्ठी लिख दो। पर आप लिख किसको रहे हैं? तुमसे मतलब, तुम लिखो ना। लिख तो लेंगे, पर लिखने के लिए नाम भी चाहिए। वो अपने चौरसिया को लिख रहे हैं। चाचा को चिट्ठी लिख रहे हो? हाँ भाई अब लिख दो ना। हाँ बोलो। प्यारे चौरसिया, हम ठीक हैं,
आप बताओ, अगर चतुरलाल ने ये पढ़ लिया तो मतलब हम उल्लू हैं। दीदी 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 आप रो क्यों रही हैं? बापू मेरी शादी करना चाहते हैं। तो कर लो शादी, इसमें रोने की क्या बात है? बेवकूफ, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ना है। तो पढ़ लो। ठीक है, शादी मत करो, मेरे पास एक उपाय है, सुनो। चतुर भैया, हम उस दिन के लिए माफी चाहते हैं, जरा गुस्से में थे, आज जरा ये पढ़ देंगे? हाँ हाँ, जरा चश्मा ले आए हम। हाँ हाँ, हाँ। लाइए लाइए। अरे राजेश, अरे बच्चों, अरे बच्चों, जरा बाहर चल के रमेश चाचा की चिट्ठी पढ़ दो, हम बोलेंगे कि हमारा चश्मा टूट गया। चलो। नहीं देखा बेटिया, तुम तो चलो। अरे भाई, हमारी मदद करो, हम कैसे पढ़ पाएंगे? हमारी एक शर्त है। क्या है? सोच लो बापू, माननी पड़ेगी। है क्या शरत? बाद में मुकड़ोगा तो सब भांडा फूट। ओफ ओफ, बताओ ना शरत क्या है? आप शादी नहीं कराओगे दीदी की? क्या? हाँ, इन्हें पढ़ने दो, दीदी भी यही चाहती है। ज्यादा पढ़ेंगी तो ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। अरे ज्यादा पढ़ेंगी तो तक्को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, हम पढ़ के कुछ बन सकते हैं तो दीदी क्यों नहीं? वैसे भी एक ही साल की तो बात है, सोच लो बापू। चश्मा बनवा रहे हो क्या? अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। उफ, अरे नहीं नहीं, बनवा क्यों रहे हैं, बना हुआ है, ला रहे ला रहे। अरे राजेश, तुम ठीक कह रहे हो, ले आओ चश्मा। ला रहे, अरे ला रहे, उतावले क्यों रहे हो? वो तो टूट गया। क्या चश्मा? तो भाई टूट गया, अब तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। अरे इतना छोटा नहीं लिखा, जब भी तुमने नहीं पढ़ना होता तुम यही कहते हो, अब पढ़ो। नहीं पर चश्मा टूट गया। अरे पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये मैं और ये, मैं और ये घूमने नहीं जा रहे। चश्मा पहना हुआ तुम घूम रहे हो। तुम हाँ, वो थोड़ा चश्मा नहीं है ना? हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। तो तुम उल्लू, उल्लू तुम उल्लू बन गए, बन गए, बन गए, तुम उल्लू बन गए। ठीक पड़ा ना? तुम उल्लू बन गए। हाँ, तुम उल्लू बन गया। अरे क्या कमा कमा के बोल रहे हैं यार, हमें तो समझ नहीं आया, जान बची तो लाखों पाए। दोस्तों से झूठ बोलना, उन्हें धोखा देना अच्छी बात नहीं है। दोस्ती की बुनियाद अगर झूठ पर हो तो वो कच्ची पड़ जाती है। कहते हैं ना कि जिंदगी एक चक्र है और आप जहां से शुरू करते हैं एक दिन आपकी जिंदगी आपको उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है। क ख ग की पढ़ाई जिंदगी की पढ़ाई बन सकती है। शुरू करते वक्त शायद इतनी सारी बातें कोई भी नहीं सोचता। एक अक्षर कहां से कहां तक पहुंच सकता है। धीरे धीरे जिंदगी में एक नया मकसद, नई दिशा उत्पन्न होती है, एक नया सच सामने आता है। कुछ करने के लिए संकल्प और चाह ही काफी नहीं होती, प्रयत्न भी बहुत जरूरी होता है। साक्षर होने के लिए एक इंसान को इन चीजों का मिश्रण होना जरूरी है। कड़ी मेहनत, लगन, एक मददगार अध्यापक और इन सब के साथ साथ एक सही और असरदार तरीका, एक ऐसा तरीका जो हर कदम पर हाथ थामे और सही राह पर रखे। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है।
हम सब पढ़ेंगे हम सब